आप मैडम से पूछ सकते हैं, मैडम से पूछ सकते हैं और सीसीटीवी देख सकते हैं कौन पहुंचा है, कब पहुंचा है, सीसीटीवी भी देखा जा सकता है। लोकल थाना सबसे पहले पहुंचा है और उसके बाद चार थाना हम लोगों ने भेजा है वो पहुंचा है। एसडीओ सदर पहुंचे हैं, एएसपी सचिवालय पहुंची हैं और एडीएम लाइन आर्डर, एडीएम आपदा पहुंचे हैं, सभी लोग पहुंचे हैं। चार थाने की पुलिस थी यहाँ पर, चार थाने की पुलिस थी, फायर ब्रिगेड के साथ थी। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन को या स्थानीय थाना को डिमोरलाइज करना ठीक नहीं है। सभी लोगों ने मेहनत किया है और मेहनत करके कंट्रोल के विश्वसैया भवन में पूरी तरीके से आग लगा, काफ़ी नुकसान हुआ। लगातार आग पर काबू पाने की भी कवायद की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम टीमें यहां काम कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी, जो एयरपोर्ट से भी मंगाया गया है विमान, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, इसको भी यहां पर बुलाकर देखिए किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ के बीच आपस में अधिकारी उलझ गए हैं। देखिए डीजी हैं जो आरोप लगा रहे थे जिस प्रकार से आग यहां लगी, तो वो लोग का कहना है कि स्थानीय पुलिस यहां नहीं पहुंची। लेकिन पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से यह सवाल किया गया कि आखिरकार डीजी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग टाइम से पहुंचे थे, 8 बजे तक सब लोग पहुंच गए थे और इस तरीके से बोलकर किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, किसी प्रशासन पुलिस को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के डीएम, सुनिए। यहाँ भी चौथे फ्लोर और उसके नीचे के जो कार्यालय हैं उसके कुछ कर्मी हैं, अपना अलर्ट हैं अपने अपने जगह पर। बाकी अभी हम लोगों ने बंद किया हुआ है ऑफिस पूरी तरह से, कर्मी पदाधिकारी जो लोग हैं उनको अभी अंदर हम लोग नहीं जाने दे रहे हैं। जब एक बार पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग इसको छोड़ेंगे। नहीं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो थाना ही था, जैसे ही सूचना मिली है तुरंत थाना पहुंचा था। हम लोगों को सूचना मिली है तुरंत फायर ब्रिगेड को हम लोगों ने कंट्रोल रूम से एक्टिवेट किया है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। लगभग 8 बजे तक सभी लोग पहुंच चुके थे और उसके बाद हम लोग लगातार रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे थे और एसडीओ और एएसपी सचिवालय ये भी यहाँ पहुँची हुई थी, एडीएम लाइन आर्डर, एडीएम आपदा सब लोग यहाँ थे और चार थाना हम लोगों ने यहाँ बुलाया था, भेजा था। तो कुल मिलाकर के सभी लोग लगे हुए थे। मेन काम तो जो हमारा फायर ब्रिगेड है और कर्मी है उन्हीं का है। लोकल थाना या पुलिस का काम था कि अनावश्यक लोग नहीं आएँ, अंदर प्रवेश नहीं करें, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। तो उसको नहीं, नहीं कोई नहीं हुआ और उसको बहुत ही प्रभावी ढंग से पुलिस ने रोका है। उन्होंने कहा कि हम आए तब हमने सबको साइड कराया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। थाना, चार थाना सुबह से था और चार थाना सुबह से यहाँ था और अंदर कोई नहीं था, अंदर पूरी तरह से रोक के हम लोग रखे थे, ठीक है। बाहर कुछ कर्मी आ गए थे तो उनको हम लोगों ने हटवाया है, अपना थाना था उन्हें हटवाया है। आरोप है कि एसओपी अगर नहीं बढ़ी है प्रशासन ने तो पढ़ते हो अपना अपना काम सब करें। अब आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद लोगों को साइड करवा रहे हैं, क्या मेरा काम है? ऐसा नहीं तो मैडम सही, ऐसा नहीं है वो तो आप मैडम से पूछ सकते हैं, मैडम से पूछ सकते हैं और सीसीटीवी देख सकते हैं कौन पहुंचा है, कब पहुंचा है, सीसीटीवी भी देखा जा सकता है। लोकल थाना सबसे पहले पहुंचा है और उसके बाद चार थाना हम लोगों ने भेजा है वो पहुंचा है। एसडीओ सदर पहुंचे हैं, एएसपी सचिवालय पहुंची हैं और एडीएम लाइन आर्डर, एडीएम आपदा पहुंचे हैं, सभी लोग पहुंचे हैं। चार थाने की पुलिस थी यहाँ पर, चार थाने की पुलिस थी, फायर ब्रिगेड के साथ थी। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन को या स्थानीय थाना को डिमोरलाइज करना ठीक नहीं है। सभी लोगों ने मेहनत किया है और मेहनत करके कंट्रोल किया है।